हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं पाल वर्ल्ड, जहाँ पे आज हम लोग सारे अपने लीजेंडरी पाल से फाइट कराने वाले हैं जितने भी टावर बॉसेस हैं इस गेम में। तो गाइस, ये टावर बॉसेस थोड़े कम लेवल के भी हैं, थोड़े ज़्यादा लेवल के हैं, और एक तो भाई इतना ज़्यादा लेवल का है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पाल है उसके पास। और गाइस, उसका हेल्थ होने वाला है लगभग 2 लाख। तो फटाफट से चलते हैं गेम में। ऑल राइट गाइस, मेरे पास ना सारे के सारे लीजेंडरी पाल हैं, जैसे कि मेरे पास जेट ड्रैगन भी है और मेरे पास स्टॉक ऑन भी है। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास फॉस्ट्रेलियन भी है, और गाइज अपने पास निक्रोमस भी है जो कि अपन लोग रिसेंटली पकड़े हैं, और एक भाई साहब अपने पास शैडो बेग भी है जो कि कम लेवल का है। तो फटाफट से चलते हैं अपने पहले टावर बॉस के पास, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या नाम है अपने पहले टावर बॉस का। इसको मैंने पहले भी हराया है, इसका नाम जोई है और इसके पास ग्रीस बॉल्ट भी है गाइज। ओके गाइज, अपने पास जो ड्रैगन है गाइज, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, इसको तो अपन लोग 10 सेकंड के अंदर ही हराने वाले हैं। देखते जाओ कितना ज़्यादा डैमेज देता है अपना जो ड्रैगन। और गाइज, हाफ एच पी तो हो ही चुका है, और इसी के साथ गाइज देख सकते हो इसकी एच पी लगभग 20 HP हो चुकी है एक अटैक में, और फिनिश हो जाएगा। और गाइज, पता नहीं क्या कर रहा है अपना जो ड्रैगन, कब से उसके ऊपर आग तो लग चुकी है, लेकिन वो थोड़ा सा एक ही अटैक का है, जल्दी से एक अटैक करेगा अपना जो ड्रैगन और ये फिनिश हो जाएगा। ओके, लेट्स गो गाइस, ख़त्म यहीं पे गेम। ओके, एलिमिनेट हो चुका है, चलते हैं अपने सेकंड बॉस के पास, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा बॉसेस का। ओके गाइस, चलते हैं टावर के अंदर सेकंड बॉस को, देखते हैं कौन है, इसका क्या नाम है। ओके गाइज, इसका नाम लिली है और इसके पार का नाम लाइलिन है। और गाइज, अभी मैं अपना रॉकेट लॉन्चर यूज कर रहा हूँ, वो भाई साहब बहुत ज्यादा डैमेज है रॉकेट लॉन्चर का। तो ओके गाइज, मेरे पास अभी लगभग ना 100 बुलेट्स हैं रॉकेट लॉन्चर के, तो इसको हमको बचा के भी रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल पाल आने वाले हैं। फिलहाल तो गाइज, इसको अपना जेट ड्रैगन ही हैंडल कर लेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपने पास 9 मिनट है, तो अपन एस्टोगॉन को भी चेक कर लेते हैं कितना डैमेज देता है एस्टोगॉन इसको। खैर छोड़ो, इसको तो अपन लोग अपने रॉकेट लॉन्चर से ही मार सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा डैमेज है अपने रॉकेट लॉन्चर का। ओके, अभी ये मेरे पीछे आ रही है, उसका वेट करते हैं पास आके, इसको रॉकेट लॉन्चर से दिए और भागना पड़ेगा इससे, अच्छा अटैक करने वाली है। वो भाई सब बच गया, वहाँ होता तो मैं तो डैमेज हो जाता मेरे को। अभी मैं भेजने वाला हूँ फ्रॉस्ट्रेलियन को गाइस, देखते हैं ये कितना डैमेज करता है। और भाई साहब एक बार में इसको जमा दिया है और ये वाला अटैक। ओके गाइज, लगभग 10 HP 5 HP के आसपास है, तो अपन लोग इसको रॉकेट लॉन्चर मार के ख़त्म करते हैं। ओके गाइज, एलिमिनेटेड हो चुकी है, अब चलते हैं दूसरे बॉस के पास। ऑल राइट गाइज, मैं आ चुका हूँ तीसरे टावर के पास, इसके अंदर जो बॉस है गाइज वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो अपने को बच के खेलना पड़ेगा, चलते हैं अंदर। ओके गाइज, इस बॉस का नाम एक्सेल है और इसका पाल का नाम ओजार्क है। तो गाइज, इससे फाइट करते हैं अपन लोग। ये ड्रैगन टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप पाल है, तो अच्छा खासा डैमेज दे सकता है अपना फॉस्ट्रेलियन इसको। तो गाइज, अपने पास 10 मिनट है बस, तो अपने को ना रॉकेट लॉन्चर यूज करना पड़ेगा। और गाइज, इसके पाल का हेल्थ 1,30,000 है, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ है इसके पास। ओके, मैं अपनी क्रोमस को भेज रहा हूँ, देखते हैं कितना डैमेज देता है इसको। और गाइज, हमको भी डैमेज देते रहना है इसको, अपना निक्रोमस का अच्छा खासा डैमेज दे रहा है इसको। फिलहाल अभी इसकी हेल्थ 1,00,000 बची है, तो अभी अपन लोग के पास 9 मिनट है, अभी बहुत टाइम है अपने पास, इसको इजी अपन लोग हराने वाले हैं। ओके, अभी मैं शैडो विक को भेज रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा कम लेवल का है लेकिन डैमेज दे पाता है कि नहीं। ओ सिट सिट, ये शायद हम लोग को मारने वाला है। ओ नहीं यार, सिल्ड। ओके, सिल्ड अभी है अपने पास। ओके गाइज, अपने शैडो विक के पास भी एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव है। हाँ।
और गाइस पता नहीं अपने शैडो विक को क्या हुआ है, चुपचाप खड़ा हो गया है, फाइट ही नहीं कर रहा है इससे। और भाई सब मार खाया जा रहा कब से है तो। ओ नहीं 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 गाइस, ये तो बहुत बड़ा वाला मूव यूज़ किया, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा इस सर्कल से। ओ शिट यार, लगी गई। ओके गाइस, अभी ना मैं एस्टो काउंट को भेज रहा हूँ, देखते हैं ये कितना डैमेज देता है इसको। और भाई साहब ये कहाँ करंट मार रहा है यार। और गाइस शायद से ना अपने वाले एस्टो काउंट का जो डैमेज है बहुत कम है गाइस। लेकिन गाइस एक चीज है, अपना एस्टो काउंट बैक टू बैक फाइट ले रहा लगातार एकदम। ओके गाइस, अभी ना अपन लोग इसको ऑलमोस्ट 60% डैमेज दे चुके हैं, बस इसके 40% एचपी बची हुई, तो जल्दी से इसको भी ख़त्म कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और नहीं नहीं यार, कुछ बचना पड़ेगा गाइस। ओके गाइस, अभी ना मैं फ्रॉस्टेलियन को भेजता हूँ, देखते हैं ये कितना डैमेज देता है इसको। और गाइस 6 मिनट ही बचा है, लगता है मुझे भी डैमेज देना पड़ेगा इसको बीच बीच में। ओके तो अभी देखते हैं फ्रॉस्टेलियन कितना डैमेज देता है। ऑल राइट गाइस, जमा दिया है, फायर करते हैं। अरे बहुत सब अच्छा खासा डैमेज दे रहा है यार गन से भी। अब गाइस रॉकेट लॉन्चर भी मार लेता हूँ बीच बीच में। और गाइस हमें ना इसके डैमेज से भी बचते रहना है, क्योंकि फ्यूचर में जो पाल आने वाला है बहुत ज़्यादा पावरफुल आने वाला है, तो उसके लिए ना अपना शील्ड बचा के रखना है अपने को। ओके गाइस, अभी ना मैं निक्रोमस को वापस से भेज रहा हूँ। और गाइस इसकी हेल्थ ना अभी 21,000 ही बची है, 1,30,000 से अपन लोग इसको 21,000 पे लेके आ चुके हैं। और भाई साहब अच्छा डैमेज कर रहा है यार निक्रोमस इसको। ओके गाइस, साथ से ना मरने वाला है एकदम, 1 HP के आसपास है। ओके इसी के साथ गाइस ये भी मर चुका है, चलते हैं अगले बॉस के पास, जो कि अपना चौथा बॉस होने वाला है इस टावर के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला गाइस। तो अपने को बच के रहना है, रॉकेट लॉन्चर की यूज अच्छे से करना है। ओके तो गाइस, इसका नाम मार्कुस और इसके पाल का नाम प्लेरियस है, और इसका हेल्थ लगभग 1,50,000 के आसपास ही है। तो गाइस बहुत ज़्यादा टफ है इसको मारना, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी मार दें इसको, 10 मिनट ही अपने पास। और गाइस इसने तो स्टार्टिंग में ही मेरे आर्मर पे आग लगा दी है, तो इसके अटैक से बच के रहना पड़ेगा अपने को। फिलहाल निक्रोमस अपना अच्छा खासा डैमेज दे रहा है इसको। और अभी मैं ना ऑस्ट्रेलियन को भेज रहा हूँ, देखते हैं कितना डैमेज देता है उसको। लेकिन ये लोग ना गाइस पीछे जा के लड़ रहे हैं कब से। और गाइस ये जो फ्लेरियस है ये थोड़ा पावरफुल है, अपने पास सील अभी तक नहीं आई है, लेकिन अपने को अभी भी डर लग रहा है कि इसका एक अटैक से अपन फिनिश हो सकते हैं। फिलहाल दोनों में अच्छी खासी फाइट चल रही है, लेकिन भाई ये वाला अटैक गंदा मारता है यार। और सिट सिट शायद से अपने ऊपर अटैक करने वाला, भाई इसके अटैक से बचना पड़ेगा अपने को। फिलहाल अपना फ्रॉस्टेलियन अभी संभाल रहा है इसको, पीछे से पता नहीं क्या हो गया, फ्रॉस्टेलियन भी जल चुका है गाइस शायद से। हाँ जैसा कि मुझे लग रहा था सही में जल चुका है अपना फ्रॉस्टेलियन। तो नहीं 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 शायद ही मेरे ऊपर अटैक करने वाला, भाई साहब मेरा शील्ड गया। ओके थोड़ा सा शील्ड बचा बस। ओके
ओके गाइस, फिलहाल ना मैं अपने जिट ड्रैगन को भेज रहा हूँ। देखते हैं, जिट ड्रैगन को तो अच्छा खासा डैमेज देना चाहिए इसको। अभी अपन लोग 20% HP का डैमेज दे पाए हैं, तो गाइस अभी ना बहुत ज़्यादा इसको डैमेज देना बाकी है। 8 मिनट है अभी अपने पास। गाइस अभी अपना चिट ड्रैगन बहुत अच्छा मार रहा है, इसको ऑलमोस्ट ना 40% HP इसकी जा चुकी है। और गाइस मैं भी ना इसको थोड़ा बीच बीच में, और गाइस अपना जेट ड्रैगन जो है ना थोड़ा बहुत जल चुका है, तो थोड़ा बहुत उसका डैमेज हुआ है। लेकिन गाइस जेट ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा इसको मारने की काबिलियत रखता है। और गाइस मैं ना इसको बीच बीच में थोड़ा बहुत डैमेज देते रहता हूँ, क्योंकि ना इसको बहुत जल्दी हराना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास ना लगभग 6 मिनट के आसपास टाइम बचा है। तो टाइम आउट होने से पहले इसको अपने को फिनिश करना है। और डैमेज तो गाइस ये भी अपने को करे पड़ा है कब से के। तो गाइस अभी ना मैं एस्टोगॉन को भेज चुका हूँ, एस्टोगॉन लगातार अटैक कर रहा है इसके ऊपर, और इसकी HP ऑलमोस्ट 50% जा चुकी है। लेकिन भाई ये तो मेरे ऊपर ही अटैक करे पड़ा है, इसका अटैक से बचना है गाइस अपने को, और अटैक देते रहना है इसको। फिलहाल गाइस हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा HP डाउन कर चुके हैं इसकी, तो भाई साहब ये जल्दी मरने वाला है। लेकिन अपने पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है गाइस, अपने पास अभी लगभग 5 मिनट, 5.5 मिनट के आसपास टाइम ही है। और गाइस मुझे रॉकेट लॉन्चर से लगातार इसको मारना पड़ेगा ताकि इसकी हेल्थ जल्दी ली जाए। ओ भाई साहब, ऑल राइट गाइस ये जल्दी ही मरने वाला है। ओ भाई इसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा स्पीड है गाइस। रॉकेट लॉन्चर मिस हो गया इसके ऊपर, लेकिन भाई साहब अच्छा खासा डैमेज दे रहा है गाइस ये तो अपने पाल को। और गाइस मैं शायद से ना शैडो को गलती से लेके आ गया, भाई ये ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा यार। ओके गाइस अभी ना लगभग अपने पास 4 मिनट है, मैं फ्रॉस्ट एलियन को भेज चुका हूँ, देखते हैं कितना जल्दी इसको मार पाते हैं। और गाइस इसको ना मुझे भी मारना पड़ेगा बीच बीच में। ओके गाइस अपने पास लगभग 3.5 मिनट है, और इसकी हेल्थ लगभग 10,000 है, तो गाइस बच के रहना पड़ेगा इसके अटैक से। और गाइस शायद से ना मरने वाला है, लगभग ये 1 HP पर ही है, एक ही अटैक का है गाइस, ये मर जाएगा एक बार में ही। ओके इसी के साथ ये एलिमिनेट हो चुका है गाइस, चलते हैं अपने अगले और लास्ट बॉस के पास। ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट बॉस के पास, इस टावर के अंदर जो बॉस रहता है गाइस उसकी हेल्थ आप मानोगे नहीं 2 लाख है गाइस। चलते हैं अंदर। ऑल राइट गाइस इसके पास शैडो वीक है, और इसका नाम विक्टर है गाइस। तो गाइस शैडो वीक जो है और विक्टर दोनों का हेल्थ मिला के 2 लाख है। तो अपन लोग जेट ड्रैगन को भेजते हैं पहले, देखते हैं कितना डैमेज दे पाते हैं। और इसको ना अपन लोग कंटिन्यूसली मारना पड़ेगा अपने रॉकेट लॉन्चर से गाइस। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इसको ना अपन लोग को लगातार मारना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा डैमेज देना पड़ेगा, तब शायद अपन लोग इसको हरा पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट बॉस है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस। ओके तो गाइस अभी मैं भेज चुका हूँ ऑस्ट्रेलियन को, देखते हैं ये कितना डैमेज देता है इसको। और गाइस ये बहुत कम डैमेज दे पा रहा है ऑस्ट्रेलियन, गाइस लगातार अपने को अटैक करते रहना है इसके ऊपर, और इसके अटैक से बचना भी है गाइस, इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक बार में इसे उड़ा दे रहा है चाहे कोई से भी अटैक हो। कुछ भी बोलो गाइस, एक बात अच्छी है, ऑस्ट्रेलियन ना इसको जमा दे रहा है बार बार, जिसकी वजह से ना मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा, तो ये अच्छी बात है कि मैं इसके ऊपर अटैक कर पा रहा हूँ जिस। ओके गाइस अपन लोग ना 1.5 मिनट के अंदर इसको ना 20% HP इसका खा चुके हैं, अभी ना अपने पास 8 मिनट है, टोटल 8 मिनट बचे हैं। तो गाइस इसको अपन लोग इजी हराने वाले जैसा मुझे लग रहा है, फिलहाल तो मैं इसको डैमेज दे रहा हूँ अपने रॉकेट लॉन्चर से।
ओके गाइस, मैं इसको अच्छा खासा डैमेज, सीट सीट यार ये मेरे ऊपर अटैक करने लगा यार भाई, बच के बाहर अपना शील्ड देखो गाइस, शील्ड भी गया और थोड़ा सा एचपी भी लेके गया इसका अटैक, तो इसके अटैक से बचना है अपने को बार बार। ओ शीट गाइस, इनको अपने को फिर से जमा दिया यार, बच बच के रहना पड़ेगा भाई। अभी मेरे एचपी भी जा रही है, एचपी लगभग मेरी ना 20% एचपी भी लेके जा चुका है, शील्ड तो गया एचपी भी गया। ओके गाइस, अभी ना निक्रोमास को भेजा हूँ, देखते हैं कितना डैमेज देता है निक्रोमास अपना। और गाइस, शैडो विक का जो एचपी है वो ऑलमोस्ट 40% जा चुकी है, 60% अभी और देना है और अपने पास 6 मिनट के करीब टाइम बचा हुआ है, बहुत टाइम अभी जेट ड्रैगन पूरा एचपी पे है। जैसे जेट ड्रैगन को भेजेंगे तो जेट ड्रैगन मैच खत्म कर देगा, लेकिन उससे पहले अपने को इसको अच्छे खासे डैमेज पे ला के खड़ा करना है। तो गाइस सिट यार, ये तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, फॉस्ट्रेलियन को भेजने पड़ेगा जैसा मुझे लग रहा। ओके लेट्स गो भाई, फॉस्ट्रेलियन को मैंने भेज चुका है, देखते हैं कितना डैमेज करता है। 5 मिनट बस बचा अपने पास। और गाइस ये लगातार मेरे ऊपर ही अटैक करे पड़ा है कब से गाइस, इसके अटैक से ना बच बच के, और नहीं यार गंदा अटैक पड़ रहा है, ये मेरा शील्ड बार बार चला जा रहा है जिसकी वजह से ना मैं दूर रहकर फाइट ले रहा हूँ और इसकी एचपी नहीं जा पा रही। गाइस अभी ना राइट 5 मिनट बचा है अपने पास। ओके तो गाइस, मैं अभी ना शैडो विक को ही भेज चुका हूँ अपने, शैडो विक वर्सेस शैडो विक, शायद से ना शैडो विक थोड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज दे पाए। और नहीं नहीं गाइस, शायद से ना शैडो विक अपना टाइम ही वेस्ट कराएगा, उससे अच्छा मैं अपने जेट ड्रैगन को भेज देता हूँ। लेट्स गो जेट ड्रैगन, देखते हैं गाइस जेट ड्रैगन कितना डैमेज देता है। 4 मिनट है अपने पास, 4.5 मिनट के करीब, और इसकी एचपी लगभग 50% बचा है। अपने को डैमेज देना है लगातार अपने रॉकेट लॉन्चर से गाइस। ओके गाइस, शायद शैडो विक जल चुका है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। नहीं नहीं यार, शायद से ना नहीं जला है, ये लोग पता नहीं साइड में क्या कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। और नहीं यार, टाइम बहुत कम बचा है गाइस, शायद से ना इसको हम लोग नहीं मार पाएंगे जैसे मुझे लग रहा है, लेकिन जेट ड्रैगन देखते हैं कितना डैमेज देता है। ओके गाइस, अच्छा खासा डैमेज दे रहा है लेकिन टाइम बहुत कम है गाइस, और इसको जमा भी दिया भाई। ओके गाइस, 2.5 मिनट बस बचे हैं और इसके एचपी ऑलमोस्ट 10 एचपी पे है भाई। अपने को ना अपने रॉकेट लॉन्चर से इसको मारना है लगातार, बाकी इसको मार देंगे इजी अपन लोग। ओ सिट सिट, शायद से ना गाइस ये वाला अटैक मेरे लिए है जैसे। ओ भाई सब बच गए भाई, ये वाला अटैक से तो अपना शील्ड वेल्ड सब चला गया था, और गाइस 1 एचपी बचा है बस ये। ओके लेट्स गो गाइस, बॉस एलिमिनेटेड, हमने इसको मार दिया है। ओके तो गाइस, इसी के साथ ना अपन लोगों ने सारे के सारे टावर बॉसेस को मार दिया है। फिलहाल गाइस, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। ओके गाइस, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसे वीडियोस देखनी पसंद आती है। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।